अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर का नेम लिख लेते हैं, टॉपिक बायो का इंट्रो करवाते हैं। बायोलॉजी का इंट्रो करवाने से पहले हम यहाँ पर एक टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे। व्हाट इज़ दैट टर्म? साइंस। पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। देखिए जी, साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड निकला है साइंटिया से, जिसका मतलब है नॉलेज। अब नॉलेज तो कई तरह का होता है, ठीक है। नॉलेज को हम किस तरह से देखते हैं साइंस के अंदर, हम प्रूफ की बेस पे देखते हैं, देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ऑब्जर्वेशंस। उन ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके हम एक हाइपोथेसिस देते हैं, एक कोई स्टेटमेंट देते हैं। उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए या उसको देखते हैं कि आया, उसको अप्लाई करने के लिए हम मेन एक स्टेटमेंट दे देते हैं। उसको चेक करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हैं और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। दिस इज़ लाइक अब देखिए, मैं इसकी एक एग्जांपल लेती हूँ। ऑब्जर्वेशन, एक बच्चा है, उसने देखा है कि जी बटन को जब दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है तो पंखा चलता है। ये उसके विजन है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन है। उसने स्टेटमेंट दी कि जब भी उस बटन को प्रेस किया जाता है तो पंखा चलता है। फिर उसने डिडक्शन दिया कि अगर इसको कोई भी बटन को प्रेस करेगा तो पंखा चलेगा। फिर उसने देखा कि उसने खुद प्रेस करके देखा तो पंखा चल गया। फिर उसने दो चार लोगों को देखा, उन्होंने भी चलाया तो पंखा चल पड़ा। तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से ये चीज़ प्रूफ हो गई। दिस इज़ साइंटिफिक नॉलेज। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी आपको भी पता है कि बुक के अंदर लिखा हुआ है कि टू ग्रीक वर्ड से बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, या फिर बुक के अंदर लिखा हुआ है थिंकिंग या रीजनिंग, यानी चीज़ों की जवाबदेही करना, सोच विचार करके जिसको आप प्रूव कर सकें, ठीक है। तो बायोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ, हम शॉर्ट लिख लेते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है? तो मैं ये कहती हूँ, एनीथिंग मेड ऑफ सेल। अगर कोई चीज़ सेल से बनी है तो लिविंग है, लाइफ है। अब मैं क्या उसको लिविंग भी कह सकती हूँ? सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉल एंड अस, हम दीवार के अंदर और हमारे अंदर क्या फ़र्क है? तो देयर आर सम लिविंग करेक्टर्स, कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो हमें लिविंग होने की गवाही देते हैं कि हम लोग लिविंग हैं। मिसाल के तौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे, अपनी बॉडी के मजीद सेल्स बनाना या अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन के अलावा इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये रेगुलेशन करते हैं। रेगुलेशन का मतलब है इंटरनल सिस्टम्स को मैनेज करना। देखिए जी, मैं कहती हूँ हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारे यहाँ बाहर तो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर 37 से 39 तक भी जाता है तो अगर कुछ दिन रहता है तो टाइफाइड हो जाता है, तो इंसान तो मर जाने कंडीशन में चला जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर थर्मो रेगुलेशन का सिस्टम रखा है, यानी हम अपने टेम्परेचर को मैनेज करते हैं। ये जो पसीना आता है ये हमारी हीट को ले जाता है और हमारे टेम्परेचर को मैनेज रखता है। दिस इज़ कॉल्ड रेगुलेशन। इसी तरह रेगुलेशन के बाद हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के ज़रिए से हम मुसलसल बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा था, वो बड़ा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, हम और क्या क्या कर सकते हैं? हम इनर्जी प्रोसेस कर रहे होते हैं, इनर्जी प्रोसेसिंग। इनर्जी प्रोसेसिंग का मतलब है इनर्जी बनाना रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से। उसके अलावा हम मुख्तलिफ और बहुत से प्रोसेसेस भी कर रहे होते हैं। लाइक मैं कहती हूँ कि हमारे अंदर एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस भी आती हैं। वक्त के साथ साथ हम लोगों के अंदर म्यूटेशंस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से है ताकि हम बीमारियों से निबट सकें। तो ये तो था हमारा जनरल बायो के ऊपर थोड़ा सा इंट्रो, या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मैं आपको बताती चलूँ, बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, फंक्शंस को पढ़ेंगे, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स कैसे पढ़ेंगे कि हम सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम मेगा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, हम
छोटे स्ट्रक्चर्स पड़ेंगे बट वो होने लिविंग चाहिए। इससे हम बहुत सारे जो हमारे आजकल इश्यूज क्रिएट हुए हैं, ड्रग एडिक्शन बहुत हो रही है, पॉपुलेशन के क्राइसिस बहुत हो रहे हैं, पोल्यूशन बहुत हो रही है और इन्फेक्शस डिसीजेज़ बहुत हो रही हैं, इनको क्योर कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, ये भी हम डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंटल इशू को भी बायो के ज़रिए से डिस्कस करते हैं कि कैसे कम किया जाए। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम एसी और फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं, ऊपर जाके ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन बीमारियाँ, स्किन डिजीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए भी बायो जो है वो एक्टिव नज़र आती है, बहुत सारे इसके जो हैं वो पॉइंट्स निकालती है कि कैसे इसको हल किया जाए। ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, उनका इलाज, हमारे जानवरों में बहुत सी बीमारियाँ आ जाती हैं या हमारी जो फसलें हैं उन पर बीमारियाँ आ जाती हैं, उन सबका इलाज, रेमेडीज़ बताना, ये सब भी बायो का काम है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो कि है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस, बायोलॉजी की ब्रांचेस को देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस, मेन कितनी ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस जो हैं वो सिर्फ 3 हैं। मेन ब्रांचेस कौन कौन सी, नंबर 1 है जी जूलॉजी, जू का मतलब होता है एनिमल्स, तो ये क्या होगा, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी को हम कहेंगे जूलॉजी, जानवरों की स्टडी जिसमें तमाम जानवर आ जाएंगे, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। उसके बाद हम करते हैं बॉटनी, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स हैं, प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद हम यहाँ पे ले लेते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, इन लोगों की हम छोटे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी स्टडी करेंगे। अब हम आ जाते हैं, इनको फर्दर कई ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। जो फर्दर छोटे ब्रांचेस हैं उनमें से मैं कैटेगराइज करती हूँ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब है शेप या फॉर्म, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर फॉर्म की स्टडी है। बच्चे ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है, देखें ये मेगा स्टडी है। इसमें सपोज ये एक प्लांट है, मैं यहाँ पे एक प्लांट लेती हूँ, ये एक फ्लावर है और ये जो है इसका एक लीफ है सपोज, यहाँ पर ये इसकी रूट्स हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे कि जी ये क्या है, दिस इज़ फ्लावर, फ्लावर में क्या होते हैं जी, पेटल्स होते हैं, पेटल्स के अलावा यहाँ पे सेपल्स होते हैं, आपने आपको पता होगा यहाँ पे सेपल्स होते हैं, यहाँ पर अंदर स्टेमन होता है, स्टिग्मा होता है, कार्पल होता है, ये स्टेम है, ये हमारा जो है वो लीव है, ये रूट्स हैं, इन चीज़ों की स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब हमारी नेक्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी के बाद, नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी, अंदरूनी स्ट्रक्चर्स की स्टडी। मिसाल के तौर पे ये इतनी छोटी भी हो सकती है कि आप कह सकते हैं सेलुलर स्टडी, सेल की स्टडी भी जो है वो इसमें आ सकती है कि सेलुलर लेवल तक, सेलुलर लेवल स्टडी भी कह सकते हैं हम, कि ये छोटे लेवल पर, यानी आप स्टमक को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़, उसके सेल, उसके टिश्यूज़, उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। एनाटॉमी के बाद हमारे पास थर्ड है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का लफ्जी मतलब निकला है टिश्यू से, इसका मतलब है स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यूज़ की स्टडी। तो अब हम एक बच्चा होगा वो ये समझेगा कि व्हाट इज़ टिश्यू, व्हाट इज़ टिश्यू, ग्रुप ऑफ
सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क। टिश्यू किसे कहते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलकर कोई एक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसे कहते हैं टिश्यू। ऐसे सेल्स जो एक जैसे हों और एक जैसा ही काम परफॉर्म कर रहे हों उसे कहते हैं टिश्यू। जैसा कि मैं मिसाल देती हूँ, ग्लैंडुलर टिश्यूज हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, वो ग्लैंड की तरह एक्टिविटी कराते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, इसी तरह जाइलम टिश्यू बड़ा मशहूर है प्लांट्स में, जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो ये टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है, वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इसमें क्या होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सेल की स्टडी है, लेकिन सेल का क्या स्टडी करना है हमने? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल बायोलॉजी में एक तो हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, हम ये देखेंगे कि सेल किस चीज़ से बना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, ये सेल है, ये सेल का एक छोटा सा पीस लेते हैं, हम कहते हैं कि जी किससे बना है, ये कार्बोहाइड्रेट से बना है, ये प्रोटीन से बना है, ये लिपिड से बना है। तो व्हाट इज़ दिस, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। फंक्शन क्या है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, इस सेल के अंदर ऑर्गेनेल है, मशहूर तरीन ऑर्गेनेल है इसके अंदर, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इट्स पावर हाउस। इसे पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे एटीपी बनते हैं। पावर हाउस का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि हम सेल बायोलॉजी में ना सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि किस किस चीज़ से बना है, बल्कि ये भी पढ़ते हैं कि उसके ऑर्गेनेल्स क्या क्या काम परफॉर्म करें। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और चीज़ भी पढ़ते हैं कि हम इसमें सेल डिवीजन भी पढ़ते हैं। सेल डिवीजन के सेल एक से तकसीम होकर दो या तीन कैसे बनाते हैं? देखिए, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसमें सेल डिवीजन होकर वो बड़ा हो जाता है। सेल डिवीजन की दो टाइप्स होती हैं, वन इज़ कॉल्ड माइटोसिस एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना देता है, मियोसिस में एक सेल डिवाइड होके चार सेल बना देता है। आप जो है वो चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से ये पोर्शन पढ़ लेंगे। तो सेल बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, हम फंक्शन भी पढ़ते हैं और हम सेल डिवीजन भी पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। नेक्स्ट ब्रांच है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को मैं यहाँ लिखती हूँ फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस को स्टडी करना, ये मेगा लेवल पे भी होता है। एग्जांपल गिवन, हम स्टडी करते हैं कि ब्रीथिंग को भी हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में, ब्रीथिंग एक्टिविटी को भी हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। हम ब्रीथिंग एक्टिविटी के लिए अगर हम छोटे लेवल पर देखें तो इसमें सेल एक्टिविटी के अंदर हम फोटोसिंथेसिस को भी स्टडी कर रहे होते हैं। दैट अकर्स कहाँ पे हो रही होती है फोटोसिंथेसिस? हम कहते हैं जी ये मीजोफिल सेल्स में हो रही है। हम कहते हैं मीजोफिल सेल की फिजियोलॉजी क्या है कि हम उसके अंदर मेजर स्टेप स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस, फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये जीन से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ जीन एंड इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या कहते हैं, जिस तरह आपको विरासत में अपने वालदैन से जायदादें मिलती हैं उसी तरह आपको इनहेरिटेंस में करैक्टर भी मिलते हैं। जैसे आप देख लें, अक्सर आपका आई कलर अपने वालदैन से मिल रहा होगा, आपके बहुत सारे फीचर्स आपके वालदैन से मिले होंगे, तो उसे कहते हैं इनहेरिटेंस, वालदैन से बच्चों में करैक्टर्स का मुंतकिल होना। व्हाट इज़ जीन?
जीन की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मेजर फैक्टर है जीन। जीन क्या है? जीन जो है वो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर हदायत होती हैं, ये हुक्म देता है, ये बॉस बॉस ऑफ द न्यूक्लियस कंसीडर किया जाता है कि फलां प्रोटीन बना दो। जैसे जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके अंदर ये जीन ख़राब हो जाती है, एक जीन होती है जो इंसुलिन का ऑर्डर जारी करती है, वो ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती और इंसान को शुगर हो जाती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। अब आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि जीन क्या है। हर सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, दिस इज़ न्यूक्लियस। जब डिवीजन का टाइम आता है तो यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। हमारी बॉडी में 46 हैं, दिस इज़ क्रोमोसोम। अगर हम एक क्रोमोसोम को जूम करके देखें, अगर मैं एक क्रोमोसोम को यूँ थोड़ा सा जूम करके देखूं, तो इसके अंदर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का मौजूद होगा। ठीक है, जब मैं इसको जूम करके देती हूँ तो ये क्या है नज़ीर, इसको जूम करके देखती हूँ तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसे हम डीएनए कहते हैं। इसमें यूं बेस पेयर्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें ये शॉर्ट सेगमेंट को जीन कहते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा जो किसी करेक्टर को कंट्रोल करे उसे जीन कहते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझा देती हूँ। वी आर गोइंग टू स्टडी जेनेटिक्स, इसमें हम जीन और उसका रोल इन आइटम्स में पढ़ेंगे। हमें पहले समझने की ज़रूरत है कि जीन क्या है, फिर समझने की ज़रूरत है कि ये कहाँ होता है। ये वो छोटा सा टुकड़ा है हमारी बॉडी के अंदर जो हदायत जारी करता है किसी प्रोटीन के बनने की। ये कहाँ पे होता है? हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। उसको जूम करके देखें तो उसका छोटा सा पीस जीन कहलाता है। तो जेनेटिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, जो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। देखें एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब सवाल ये बताया है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डिवेलपमेंट लिखेंगे, यानी हम ना सिर्फ इसको पढ़ेंगे बल्कि इसके अगली स्टेजेस को भी पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एम्ब्रियो, इसको एम्ब्रियो क्या है? जाइगोट जो है, देखें मैं आपको बताती हूँ, जाइगोट का पता है, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ होते हैं और बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट आगे फर्दर डिवीजन से गुजर के बना देता है एम्ब्रियो। तो हम कह सकते हैं कि जाइगोट का सक्सेसर यानी इससे आगे आने वाला है एम्ब्रियो जी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी से क्या मुराद है? स्टडी ऑफ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेमिंग, नेम देते हैं, प्लस हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तकसीम करते हैं। देखें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसको पढ़ने का तरीका यह है कि उसको पहले कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाए ताकि उसको स्टडी किया जा सके। इसी तरह हम ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे जो हमारे मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ लैंग्वेज बोली जाती है, तो अगर हम एक वर्ड हो उसको हम और बोलें, जापनीज और बोलें, अमेरिकन और बोलें, तो ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जब साइंटिफिक लेवल पे बैठा जाता है तो एक साइंटिफिक नेम रखा जाता है। जैसे मैं आपको एक साइंटिफिक नेम दिखाऊंगी, अनियन का साइंटिफिक नेम है जी एलियम सीपा। इसको लिखने का तरीका ये है, यहाँ मैं लिख देती हूँ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन स्टडी करना, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट का इंटर रिलेशनशिप, हम कनेक्शन को स्टडी करें, इसको एक और नाम दिया जाता है, इकोलॉजी ब्रांच भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको बताऊं कि देखें हम लोग जिंदा हैं क्योंकि हम अकेले ज़िंदा नहीं हैं, हम एयर पे डिपेंड कर रहे हैं, हम वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो नॉन लिविंग फैक्टर हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। आगे हमारे आ जाता है सोशियो
बायोलॉजी। सोशियो का लफ्ज़ी मतलब होता है सोशल, सोशल का लफ्ज़ी मतलब होता है समाजी, समाजी का मतलब होता है समाज में मिलकर रहने वाला, समाजी का मतलब होता है समाज में मिलकर रहने वाला, मतलब कि समाज में मिलकर रहने वाले से मुराद यह है कि हम सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स टू मेक सोसाइटीज़। देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम लोग अकेले तो ज़िंदा नहीं रह सकते ना, हमें प्लम्बर चाहिए अगर हमारे घर में कोई काम करने वाला है, हम लोग बीमार हो गए हमें डॉक्टर चाहिए, हमारे जूते ख़राब हो गए हैं हम जो है मोची के पास ले जाएंगे, हमें दवाइयों की ज़रूरत है हम मेडिसिन शॉप पे चले जाएंगे, हम अकेले सर्वाइव कर ही नहीं सकते, हम सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इस बिहेवियर को स्टडी करना सोशियोबायोलॉजी कहलाता है। टैलन का मतलब होता है फॉसर्स, स्टडी ऑफ फॉसर्स को कहते हैं फॉसर्स की स्टडी को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर फॉसर्स, फॉसर्स को डिफाइन करें। देखिए जी, फॉसल्स को मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो डेड रिमेंस, वो मरे हुए हिस्से जो कहीं गहराई में जा कर दफन हो गए हैं, उनको प्रेशर की वजह से एक फिनोमेना होता है, वो डीकम्पोज नहीं होते, बैक्टीरिया उनको यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि वो मिलियन ईयर वहाँ पर पड़े रहते हैं, मिलियन ईयर्स यहाँ पर पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मिलियन ईयर्स यहाँ पर पड़े रहने की वजह से वो एक ब्राउनिश मटेरियल में चेंज हो जाते हैं, जिससे बाद में निकाला जाता है, आजकल जो हम निकालते हैं क्रूड ऑयल, जिसको निकाल के हम उसको फैक्ट्रियों में बेचते हैं, फिर से पेट्रोल और डीजल मुख्तलिफ चीज़ें निकाली जाती हैं, दीज आर फॉसिल्स। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो लोग भी मरते हैं हमारे यहाँ वो फॉसिल बन जाते हैं? नहीं, जो बहुत ही करीब ज़मीन के दफन होते हैं उन पर बैक्टीरिया अटैक करके डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करके न्यूट्रिएंट सॉइल को वापस कर देते हैं, ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इंतहाई तह में जाके दफन होते हैं। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कई कौमों पर अजाब नाजिल किए, उनको ज़मीन के अंदर धंसा दिया, तो वो बहुत ही प्रेशर के अंदर दब गए, जिसकी वजह से वो आज फॉसिल्स के तौर पर यूज़ किए जा रहे हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या है? एंटा का मतलब होता है इंसेक्ट्स, तो ये क्या होगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो व्हाट आर इंसेक्ट्स, ये क्या है, हेक्सापोड इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे छोटे इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और वो हेक्सापॉड उसकी छः टांग, कम से कम छः टांगें हों। इसके एग्जांपल मैं दूंगी, हम इसमें आंट्स को स्टडी कर सकते हैं, हम इसमें कॉकरोच को स्टडी करते हैं, तो ये सारे क्या हैं हमारे हमारे यहाँ पर क्या हैं, ये हमारे पास एंटोमोलॉजी की स्टडी आ जाएगी। उसके बाद हम आ जाएंगे पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है, देखें इसके नाम से पता चल जाए, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहते हैं, लेकिन उसे हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसे खुराक लेते हैं लेकिन बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। बुक के अंदर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। पैरासाइट्स मैं फिर भी बोल देती हूँ, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच टेक्स शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द होस्ट बट इन रिटर्न हार्म देम, होस्ट को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स की दो टाइप्स हैं, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ पैरासाइट्स की दो टाइप्स हैं, आपके बुक के अंदर नहीं लिखी, मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। एंडो पैरासाइट्स,
और एक्टोपैरासाइट्स। एंडो का मतलब होता है जो आपकी बॉडी के इनसाइड होते हैं, जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं मिट्टी खाते हैं और अक्सर जो है वो छोटे छोटे जो एग्स होते हैं वो चले जाते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते हैं अंदर, वो चले जाते हैं अंदर और पेट के अंदर बड़े हो जाते हैं। इसकी वर्म हम एग्जांपल देते हैं, हुक वर्म जो होती हैं वो किसी फॉर्म में मिट्टी के साथ अंदर चले जाते हैं और फिर बाद में ही आंतों के अंदर हुक्स की फॉर्म में, शक्कर की फॉर्म में चिमट जाते हैं और वहाँ से खून चूसते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, और एक वक्त आता है जब इतना ख़तरनाक हो जाता है कि ऑपरेट करके इन्हें निकालना पड़ता है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट जो इंसान की बॉडी के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे जो गायें बैल भैंस हैं उनको जोंक चमट जाती है, हम लोगों को, हम लोग कहते हैं हमें जो हेडलीस का मतलब होता है हमें शहर सर के अंदर जुएँ हो जाती हैं। जुएँ क्या करती हैं कि खून चूसती हैं और बदले में शेल्टर भी लेती हैं और हमारा क्या होता है नुकसान, हमारी प्रीपेयर्ड फूड उठा के चली जाती हैं। तो ये है जी पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ह्यूमन के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत के फ़ायदे के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं इंसुलिन बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, एक पैट्री डिश लेते हैं, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ये सपोज बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर एक प्लाज्मिड होता है, दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड। बाहर से किसी भी वो जीन लेते हैं, वो जीन ले लेते हैं कहीं से, वो टुकड़ा लेके हम इसके अंदर लगा देते हैं जिसने इंसुलिन बनानी होती है। हर 20 मिनट के अंदर बैक्टीरिया दो में तकसीम होता है, ये यहाँ पर क्या होता है इंसुलिन बनाने लग जाता है। जब ये दो में तकसीम होता है तो हर दो के अंदर क्या होता है, ये टुकड़ा भी उसके साथ आगे चला जाता है और ये भी वहाँ भी इंसुलिन बनाने लग जाता है। ऐसे काफ़ी टाइम में बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं और इंसुलिन बनाने लग जाते हैं, हम इंजेक्शन के जरिए से ले लेते हैं और बड़ा महंगा बेचते हैं। तो दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। What is immune system? हमारी body का defense system. Immune system का मतलब है defense. हमारी body के अंदर defense system कौन कर रहा है, white blood cells कर रहे हैं। देखें जी हमारी body में जब भी कोई organism आता है, कोई bacteria, virus आता है, सबसे पहले उसकी fight होती है white blood cells के साथ। यह हमारी बॉडी के अंदर फौजी निज़ाम है, ये उनसे फाइट करते हैं, कुछ ये शहीद हो जाते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, कुछ हमारे दुश्मन यानी कि बैक्टीरिया वगैरह मारे जाते हैं। तो इस सिलसिले में हम लोगों को अटैक नहीं होने देते बीमारी का, बहुत हद तक ये फाइट करते हैं। इसीलिए कहते हैं आप अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर है तो आपको COVID-19 नहीं होगा। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी को हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आई थिंक ये हमारी नेक्स्ट जो है बुक के अकॉर्डिंग लास्ट ब्रांच है, पर एक साइड पैच भी है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। फार्माकोलॉजी हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मेडिसिन या स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स, इसमें हम उनके असरात पढ़ते हैं। देखिए मेरे जैसा बंदा ये समझता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग्स। देखें ड्रग्स की टाइप्स हैं, ड्रग्स डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ली जाएँ तो उन्हें मेडिसिन कहेंगे, वो हमारे फ़ायदे में होंगी। हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ का अपनी बॉडी को आदि कर लेते हैं, नशा जैसे लोग नशा करते हैं या जो शराब पीते हैं या किसी भी तरह के कैफीन वगैरह लेते हैं तो उसके आदि हो जाते हैं। तो ये क्या है, हम इसके अंदर ड्रग्स पढ़ेंगे, हम सिर्फ दवाइयों को पढ़ेंगे जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो तो हमारे ऊपर है कि हम किसकी रिकमेंडेशन पर यूज़ करें। फिर हम इसके इफ़ेक्ट्स भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे बीमार होते हैं गोलियां लेते हैं मेडिसिन लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर बुक में एक साइड पैच दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मैं ये साइड पैच है तो मैं इसको ब्लू से लिख रही हूँ कि थोड़ा सा ना आप लोगों को समझ आए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एक सेकेंड नाम दिया जाता है बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम
लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लिपिड्स होते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कम्प्लीट हो गया है बेटा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया है, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है चैनल को, आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन है, आपने कमेंट करना है।